दो दांत खस्सी पकड़ ले रस्सी। शौकीन है भाई मियाँ, शौक तो करेंगे। एक से एक नायाब जानवर होगा, दीदार भी करेंगे। इससे पहले हो जाए इस साल के सीजन का इख्तिताम, हमने भी तानी एक लंबी तान और पहुंच गए मेमनकोट के एक कैटल फार्म। तो भाई मियाँ, आज पहुंच चुके हैं हम FFD कैटल फार्म और देंगे यहाँ पे अपने शौक को अंजाम। इसलिए देखती आंखों और सुनते कानों को भाई का सलाम। मुझ में अब रंग सब तुम्हारा है, इतना कह दे के तू हमारा है। जनाब, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे भाई जो है वो एक शौकीन आदमी है, और जैसा उनका शौक है ऐसे ही शौक यहाँ के पास कराची के और शौकीन लोग और जिंदा दिल लोगों का शौक है। तो आज भाई का फोन आया कि भाई तैयार हो जाए, आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाते हैं। तो भाई क्या स्पेशल चीज़ है? तो कहने भाई आप चुप करें और आ जाए। जनाब, जैसा कि बताया था ना कि आप कंपनी अच्छी रखोगे तो मंजन मिलते रहेंगे, तो ये हमारे उस्ताद और हमारी कंपनी बेहतरीन यानी कि हाजी साहब के रेफरेंस से जो है ना आज हम आए हैं। ये पीछे आपको नज़र आया होगा पाकिस्तान नंबर पार्टनर देखने के लिए। ये पूरे पाकिस्तान में इसके जोड़ का पार्टनर नहीं है और इसका वज़न अप्रोक्सीमेटली 30 मन से भी ऊपर बता रहे हैं ये, जो कि लाइव वेट कराए वो शायद 60 या 62 जो है ना मन आया है तकरीबन कांटे के ऊपर। जनाब, यहाँ आके हमने देखा और भाई ने जो हमें दिखाया कि यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान का नंबर वन बाटा। भाई SOPs को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए मास्क जो है ना ऊपर आ जा रहा है। बहरहाल, तो हो सकता है आपने देख लिया हो या हो सकता है आप अब देखें, क्योंकि भाई हमें तो भाई काटाते ही हैं, अब एडिटिंग में वो क्या करें हमें नहीं मालूम। बहरहाल, यहाँ पे आके बेहतरीन चीज़ें देखी गई हैं और बेहतरीन जानवर देखे गए हैं, और यहाँ का फ्रेशली गाय का दूध की जो है वो चाय आ गई है, तो पहले चाय पी लीजिए। भाई वैसे तो मुझे चाय पीने का कोई भी शौक नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जब बाड़े आए हैं ना तो खाली दूध की चाय पीना तो बनता ही है, तो इसलिए एक ही वर्ड बोलेंगे रिवायती अपना जो है हमारा, सुभान अल्लाह।
यहाँ की बात करें, एक से एक बेहतरीन जानवर, ऑस्ट्रेलियन क्या, बर्मन क्या और देसी बच्चियाँ हैं क्या, लेकिन बहुत शानदार जानवर, बहुत आउट क्लास जानवर है। वीडियोस में देखेंगे आप, हम यहाँ देख के महसूस हो रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपने शौकीन भाई के साथ, अपने शौक को भी दुबाला कर रहे हैं। हाँ भाई मियाँ, ये है ऑस्ट्रेलियन वेल और इसका माशाल्लाह से कलर देखे आप, ऐसा हो रहा है जैसे बिल्कुल मखमल वेलवेट जिसको कहना चाहिए। बस एक ही बात कही जाएगी कि अल्लाह की शान है, हर जगह देखी जाए तो, और कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह की तारीफ है। हाइट भी माशाल्लाह जवाब नहीं है। हाँ तो भाई ये है ब्राह्मण, देख रहे हो ये माशाल्लाह पे हाइट इसकी, जो आजकल बड़ी जो है वो नस्ल इन है मार्केट में ना, इसको ब्राह्मण कहते हैं। इसकी हाइट भी माशाल्लाह और इसकी जान भी, जिसको भी देखना है भाई देख ले, नस्ल पहचान कर लो, फिर बाद में नहीं मौका मिलेगा। आप पहचान बताइए ना। हाँ पहचान ये है कि इसके कान जो है ना बहुत बड़े बड़े, असल ये होती है और हाइट है, ये देखो मेरे से भी ऊपर आ रहा है ये। सही, मेरी हाइट छोटी नहीं समझ लेना भाई, मेरी हाइट भी 6 फुट की है। भाई मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी बड़ा सिस्टमेटिक काम किया जा रहा है, सिर्फ कैटल फार्मिंग नहीं है, डेयरी फार्मिंग भी हो रही है, और डेयरी फार्मिंग भी बड़ी एडवांस तरीके से हो रही है कि सक्शन वगैरह से यूज़ किया जा रहा है, और बाकायदा जैसे जो है मॉडर्न तरीके से जो है वो फार्मिंग के अंदर डेयरी फार्मिंग की जाती है और दूध को जो है वो कलेक्ट किया जाता है, इस तरीके से इनके भी काम हो रहा है। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी लोग एडवांसमेंट पसंद कर रहे हैं और एडवांसमेंट की तरफ चल रहे हैं, बस ये है कि अल्लाह पाक खैर का मामला करे हमारे साथ। भाई मियाँ वैसे तो SOPs का ख्याल आपके भाई को रखना चाहिए था, मास्क वास्क लाना चाहिए था, लेकिन इस वक्त जो है ना हाइजीनिक बॉय बने हुए हमारे बड़े भाई है। ये है कि एक चीज होती है कि सामने नजर आ रही है, अब ये मामला ऐसे है कि इसमें नजर नहीं आना, तो भाई अपनी एहतियात आपको, लेकिन ये भी बता दूं कि भाई हम भी अल्हम्दुलिल्लाह SOPs पे अमल करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई रश वश नहीं था, यहाँ पे कोई रश वश नहीं है, खाली पड़ी हुई जगह, इसलिए मास्क नहीं लगाया हुआ, गाड़ी में मास्क रखा हुआ है। सही है, तो भाई मियाँ हम यहाँ पे वैसे तो देखने के लिए आए थे पाकिस्तान नंबर 1 पाडा, लेकिन यहाँ माशाल्लाह से इनके पास मजीद जो जानवर की तैयारी है ना उसका भी कोई जवाब नहीं है, यानी कि एक से एक माशाल्लाह तैयार जानवर है जिसकी कोई जो है ना इंतहा नहीं है, बाकी में जिसको कहा जाएगा कि मेहनत की गई है जानवरों के ऊपर, खूबसूरती में भी और नस्ल में भी। स्क्रिप्ट याद कर लिया? नहीं भाई, अब आप आते आते दोगे कि हाँ भाई करो तो कैसे होगा, मास्क उतारना, आवाज़ सही नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही आवाज़, नहीं आ रही, मास्क उतारना। अब बाबू क्या हो गया, थक गए क्या, बस हो गई? नहीं यार, शौक के आगे क्या थकाना क्या करना, गर्मी बहुत हो रही है लेकिन बस क्या करें, पसीने तो पोछने पड़ेंगे ना, गर्मी तो है।